हेलो दोस्तों, एसपी मोटराइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शुभम और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि घर पे आप कैसे अपने बाइक का इंजन ऑयल चेंज कर सकते हैं और कितना किलोमीटर पे आपको इंजन ऑयल चेंज करना है, वो भी आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। तो दोस्तों, मैं होंडा सीवी शाइन बाइक का इंजन ऑयल चेंजिंग दिखाने वाला हूँ, लेकिन बाकी बाइकों में आपको सेम प्रोसेस में इंजन ऑयल चेंज कर सकते हैं। पहले तो पुराना जो इंजन ऑयल है उसको इंजन से निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम लोगों को 12 नंबर का पाना चाहिए और एक बोल चाहिए उस पर पुराना इंजन ऑयल को स्टोर करने के लिए। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बोल्ट है, इसको 12 नंबर का पाना से पहले खोल लेंगे और पुराना इंजन ऑयल को पूरा निकाल लेंगे। इस पुराना वॉशर को भी हम लोग चेंज कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस बोल्ट पे यूज्ड इंजन ऑयल आ चुका है। अब इसका बोल्ट फिर से लगा लेंगे और 12 नंबर का पाना से ठीक से टाइट कर लेंगे। ये इंजन ऑयल होंडा का सर्विस सेंटर से लिया हुआ है, जो कि 5% डिस्काउंट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ हम लोग इंजन ऑयल को डालेंगे। इसको आप कपड़े से पकड़ के प्लस से थोड़ा टर्न करेंगे तो ये खुल जाएगा। अब एक फनेल लेंगे और इंजन ऑयल को धीरे धीरे डाल लेंगे। देखिए दोस्तों, पूरा इंजन ऑयल इंजन के अंदर चला गया। अब इसको चेक कर लेंगे, तो इसको थोड़ा अंदर डालेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि इंजन के अंदर पूरा ऑयल फिल हुआ कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंजन ऑयल दिख रहा है, मतलब इंजन के अंदर ऑयल फुल हो चुका है। अब इसको बंद कर देंगे। तो दोस्तों, अपने बाइक का इंजन ऑयल हर 4000 किलोमीटर पे चेंज करते रहिए, जिससे आपको अच्छी माइलेज और बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। तो दोस्तों, ऐसे आप अपने घर पे अपने बाइक का इंजन ऑयल आप चेंज कर सकते हैं और ऑलवेज इंजन ऑयल, एयर फिल्टर और बाकी कोई भी पार्ट्स अपने सर्विस सेंटर से ही खरीदें, बाहर से मत खरीदें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए, जिससे आपको बाइक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।